लेकिन हमें गर्व है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उन्होंने 10 वर्ष में 34 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का पैसा लोगों को भेजा, 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचा। अगर ये कांग्रेस और सपा की सरकार होती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 29 लाख करोड़ का घोटाला ये कर लेते। तो कांग्रेस और सपा को मैं अगर कहूं ये भ्रष्टाचार की जननी है, कोई गलत नहीं हो। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं, इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर भारत हो, भाजपा की आंधी चल रही है और बहुत बड़ी विजय जो हम लोगों ने लक्ष्य रख करके काम किया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सफलता का शिखर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का मनोबल टूट चुका है। समाजवादी पार्टी भी बिखर गई, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दलों में भंगड़ की स्थिति मची हुई है। आज सबको भाजपा में भाजपा का भविष्य दिखाई दे रहा है और भाजपा में वो अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज यह भी जरूर कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी का जैसे अपराधियों से नाता है वैसे भ्रष्टाचारियों से भी नाता है और अपराध और भ्रष्टाचार या एक दूसरे के पूरक हो गए इनकी गठबंधन के लिए। और इसका जवाब 19 अप्रैल से पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों का, वो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और चरण वाइज हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की यूनिट है वो कहती है कि अमेठी और रायबरेली के लिए हमने राहुल जी प्रियंका जी सबका नाम प्रपोज कर दिया है, लेकिन अभी तक ना तो नामांकन हुआ है ना तो ऐलान हुआ है, क्या वजह मानते हैं सर देरी की? देखिए, मैं भी वह वजह जानता हूँ और आप भी जानते हैं, उनको मालूम है कि श्री राहुल गांधी जी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी बार हारेंगे और उनकी दीदी या उनकी जीजा रायबरेली से लड़ते हैं तो रायबरेली में भी इस बार कमर खिलने जा रहा है। उनके पास भी फीडबैक है और विपक्ष का हर नेता ये जानता है उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलावा और भाजपा गठबंधन के अलावा किसी और दल का खाता खुलने नहीं। सर, विपक्ष लगातार मर्यादा में पूरी कर रहा है, इस तरीके से अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर टिप्पणी की, कल शिवपाल यादव ने आपको लेकर टिप्पणी की। मैं जानता हूँ तो 2017 और 2014 का जो गहरा घाव लगा है अभी भरा नहीं है, सत्ता से बेदखल हो गए, उसके विचलित हैं और सत्ता में अब आने वाले नहीं, विचलन नहीं। किसान जी अध्यक्ष ने बयान आया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में परमाणु को खत्म करना चाहती थी, देश को कमजोर करना चाहती थी, क्या कहें सर? जो परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम कांग्रेस अपने शासन काल में कर सकती थी वह साहस वह नहीं कर सकती थी। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत को मान्यता मिली और आज भारत का डंका मैंने कहा विश्व में बज रहा है और विश्व भारत माता के अंदर भारत माता की जय और तिरंगे का मान और सम्मान। केशव जी अब सवाल ले लीजिए मेरा भी, आपने एक नारा भी दिया अखिलेश यादव के 3 यार आजम तो ये नारा आपने गढ़ दिया, हो सकता है ये बड़ा पॉपुलर भी हो जाए चुनाव में,
लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये तीनों एक तबके विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको सारे अपराधी माफिया एक ही तबके में देखते हैं? जो अखिलेश यादव का आरोप है, जो दूसरे तबके जो तबके से मैं जोड़ा था, आपने नाम ही नहीं लिया रूप में जोड़ा था, ये वो फिटोरा नारा इसलिए जोड़ दिया। अच्छा, तो बंदी फिटोरा कैसे जोड़ दिया आपने? सर, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जितने भी बड़े लीडर्स हैं विपक्ष उत्तर प्रदेश में, बहुत लेट निकले हैं प्रचार के लिए। आप लोग का दो दो बार माना, मैंने कहा कि विपक्ष का हर नेता ये मान रहा है कि उत्तर प्रदेश को खाता खुलने वाला नहीं है, इसे जो जानते हैं कि हारना सुनिश्चित है तो फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं। 2024 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अंतर कलह उजागर हो गया था। भाजपा जब 8 सांसद राज्यसभा के जिताने में कामयाब हुई तो हमने कहा ये 80 लोकसभा में जीत के साथ इस लक्ष्य की पूर्ति होगी, और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, ये हमें भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है। कि 15 साल अमेठी में रहे, पूर्व में वायनाड मेरा घर है, वहां के लोग हमें ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या कहें सर? ये देखिए, आप तुष्टिकरण की राजनीति का युग खत्म हो गया, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, सपा की कोई विचारधारा नहीं, भाजपा की विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर के भाजपा बनी और जिस विचारधारा को लेकर के जनता से वादा किए उस विचारधारा को पूरा किए। हम सबका साथ सबका विकास अगर नारा दिए तो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मिल रहा, अगर 2047 तक विकसित भारत की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। महिला सशक्तिकरण का संकल्प दिया तो 35% महिलाओं को देश के नए संसद भवन का पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया कार्य। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों का उल्लेख किया, जिस प्रकार से गरीब वो किसी जाति का हो, युवा किसी जाति का हो, महिला किसी जाति की हो, अन्नदाता किसान हमारा किसी जाति का हो, या 4 को लेकर के आगे बढ़ना और देश को आगे बढ़ाना, इस लक्ष्य के साथ जो काम करते हैं उनको निश्चित तौर से परिणाम मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीत करके देश में अब तक की सबसे बड़ी विजय के साथ। सर, ओवैसी और पल्लवी पटेल ने जो तीसरा मोर्चा तैयार किया है, 7 उम्मीदवार उन्होंने आज अपने घोषित कर दिए, आपका क्या नफा नुकसान होगा? मुझे कोई नुकसान, मैं समझता हूँ पार्टी किसी के कारण से कुछ नई योजना बनाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत, संगठन बढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें गरीब का वो काम सब किए चलो, इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा 2022 से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी वो कर चलो आपकी जो छवि है वो प्रचंड हिंदुत्ववादी नेता की होती जा रही है, आप जो स्टैंड ले रहे मुख्तार आजम पर पार्टी में कोई और नहीं ले रहा है, तो ये क्या पोजीशनिंग है आपकी कि आपकी जो छवि है वो प्रचंड? अभी हमारी छवि यही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80-80 हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमर खिलाएंगे, भाजपा गठबंधन को जिताएंगे, और यह पहले भी किया है, अभी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आपकी छवि को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, व्यक्ति कोई नहीं होता, व्यक्ति जब कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कार्यकर्ता हूँ। सर, अखिलेश यादव, सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था काशी विश्वनाथ मंदिर में, पुलिस कमिश्नर ने पुजारियों की वेशभूषा पुलिस को लगाया, अखिलेश यादव उनको सनातन से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सपा हो जाएगी, सपा जब समाजवादी पार्टी हो जाएगी, जब सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और जब सपा एक परिवार की पार्टी सहमति की भविष्य में प्रधानी जीतना बिल्कुल मुश्किल होगी। विपक्ष सतर्क